इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, इंसाफ, हमें क्या चाहिए, इंसाफ दो, 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 हमें क्या चाहिए, इंसाफ, हमें क्या चाहिए, इंसाफ, हमें क्या चाहिए, इंसाफ, हमें क्या चाहिए, इंसाफ, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, कल का जो वाकया हुआ सिद्धड़ा में और जिस ढंग से उस कोरोना वायरस से जूझते हुए एडमिनिस्ट्रेशन जो बड़े बड़े दावे यहाँ पे करती है, उसकी पोल खुल के यहाँ पे रह गई कि दो विपन और विमल उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और क्या यह प्रशासन की जिम्मेवारी थी एसओपी होते के बावजूद जो स्टैंडिंग ऑपरेशन जो था इसके सिलसिले में प्रोसीजर था उसको फॉलो नहीं किया गया, उसके साथ सब चीज़ों का बंदोबस्त होना जरूरी था। और पीपीए किट में क्या खामियां यहाँ पे रह गई, डिहाइड्रेशन हो गई, ये सब क्वेश्चन से वहाँ पर उनकी जान चली गई। तो मैं समझता हूँ ये प्रशासन की बोल खुल के यहाँ पे रह गई। हम उसकी मांग करते हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी हो, जो लोग भी कल्प्रिट हो उसको सजा मिले। और एक विमल जो शादीशुदा आदमी था और किराए के मकान में रह रहा था, विपन जो अनमैरिड था, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मौके पे इनकी जान चला जाना ये दुख की घड़ियाँ, हम उन परिवार वालों के साथ हैं, लेकिन मांग करते हैं कि फौरी तौर पे जुडिशियल इंक्वायरी ताकि कहीं पे भी कल्प्रिट बच ना पाए। नेगलिजेंस सरकार की है और उसके साथ साथ प्रॉपर तौर पर कंपनसेशन उनको दे, जल्दी से जल्द दे पाए। सिर्फ बातों तक महदूद नहीं रहेगा, ये कोरोना वायरस सिलसिले में जो जंग में लोग शामिल हैं, मैं समझता हूँ लोगों को ठेस यहाँ पे पहुँची है, किस ढंग से अनदेखी की गई, चार चार घंटे वहाँ पे रहना और उसके बाद उसकी जान चली गई। आज हम जुडिशियल प्रोब की यहाँ पे डिमांड करते हैं। और आज इस मौके पे मैं ये भी आपके जरिए जो कोरोना वायरस के एडमिनिस्ट्रेशन से लोग व्यवस्था यहाँ पे, ये भी मांग करूँगा कि इस मौके के साथ जहाँ पे हम उस परिवार वालों के साथ हैं वहीं पर जो दो दिन के अंदर सूर्य ग्रहण यहाँ पर लगेगा, जम्मू शहर में लोगों के हिंदू शास्त्र के मुताबिक अस्थियां यहाँ पे पड़ी हैं, उसका अस्थियों का विसर्जन करने के लिए उत्तराखंड के सरकार से भी बात करें ताकि समय रहते हुए वो अस्थियां भी वहाँ पे जल प्रवाह। यहाँ पे दो ऐसी मौतों का होना कि जिस ढंग से उनका कसूर कोई नहीं था, नेगलिजेंस थी किसी पार्ट के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, एसओपी को प्रॉपर तौर पर फॉलो नहीं किया गया। जब कोरोना वायरस के केस में किसी की जान चली जाती है उसके क्रिमेशन में क्या बंदोबस्त होना चाहिए, पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, लेकिन वहाँ पर शायद कमी यहाँ पे रह गई। हम तो जुडिशियल प्रोब की डिमांड करते हैं ताकि सही सच आए, कल्प्रिट्स को बुक किया जाए और प्रॉपर तौर पर कंपनसेट किया जाए। क्योंकि दोनों परिवार जो विपन और विमल, एक तो शादीशुदा था और किराए के मकान में रहता था, साधन इतना कोई नहीं था, दूसरा विपन अनमैरिड था, लेकिन खाने का बंदोबस्त के भी शायद उनको लाले यहाँ पे पड़े। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार फौरी तौर पे कंपनसेट करे और किसी ना किसी ढंग से उनको नौकरी के जरिए हो ताकि उनका अगला वक्त सुधर सके और जो कल्प्रिट हो उनको बुक किया जाए ताकि आइंदा प्रशासन की तरफ से कोई अनदेखी ना कर पाए।